अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अली हेल्थ हब डॉट कॉम के नाम से मेरी अपनी वेबसाइट है। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपके सामने ऐसे नुस्खा जहाँ लेके आता हूँ जो कि 110% एक्यूरेट होते हैं और जिनका पॉजिटिव रिजल्ट होता है। आज मुझे काफ़ी भाइयों की जो है वो रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर हमें जो है ऑयल्स के बारे में बता दें, या ऑयल्स को यूज़ करने का तरीका बता दें, या कौन कौन से ऑयल्स हैं नफ्स को लेके, नफ्स के साइज़ को बड़ा करने के लिए या उनकी मोटाई में इजाफा करने के लिए। तो मैंने जो है आज शॉर्ट सी वीडियो इसलिए बनाने की कोशिश की ताकि आप लोगों को बता दूँ कि कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जो कि आपके जो नफ्स है उसको जो है इंक्रीज़ करते हैं, उसके साइज़ में भी और उसकी मोटाई में भी। तो मैंने एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया भी था, लेकिन फिर दोबारा मुझे काफ़ी भाइयों की जो है वो रिक्वेस्ट है, सर हमें आप अलग से जो है ना थोड़ा सा जो इस टॉपिक के ऊपर दोबारा से जो है ना बता दें, ब्रीफ कर दें कि कौन से ऑयल ऐसे हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि नफ्स को बड़ा करने के लिए, साइज़ में और उसकी मोटाई में इजाफा करने के लिए ऐसे कौन से ऑयल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं या आप उनसे जो है फ़ायदा ले सकते हैं। तो नंबर एक ऑयल मैंने आपको बताया था, गार्लिक का ऑयल है, ठीक है, लहसुन का ऑयल, जैतून, जैतून के तेल के अंदर आपने लहसुन की जो गुलियाँ हैं, लहसुन को आपने छील लेना है, उसको डाल लेना है और उसको आपने पका लेना है। एक नंबर एक ऑयल वो था, गार्लिक ऑयल था। इसके बाद नंबर दो ऑयल मैंने आपको बताया था, जैतून का तेल। ऐसा तेल है जिसमें बहुत ज़्यादा फायदियत है, आप उसको जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें, ठीक है। आप क्योंकि जो दूसरे तेल हैं इनमें ये है कि ये नफ्स के ऊपर वाले हिस्से को लगाने हैं, साइडों पर लगाने हैं और नीचे लगाने हैं नफ्स की कैप को छोड़ के, लेकिन जैतून का वाहिद एक ऐसा तेल है जिसका कोई नुकसान नहीं है आपके नफ्स की कैप पे। आप उसको पूरे नफ्स पे लगा सकते हैं, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। नंबर दो आपको मैंने जो ऑयल बताया था वो जैतून का ऑयल बताया था। नंबर तीन जो ऑयल है मैंने आपको बताया था, शेर की चर्बी का तेल। अगर आपकी शेर की चर्बी आपको मिलती है, अगर वाकई असल शेर की चर्बी आपको मिलती है, असल शेर से मतलब जंगली शेर जो है उसकी अगर आपको चर्बी मिलती है तो उसका ऑयल बनता है, वो आप यूज़ करें तो उसका आपको फ़ायदा है। उसके बाद नंबर चार जो तेल है वो रीछ की चर्बी का तेल है, कि रीछ की चर्बी अगर आपको मिल जाती है तो काफ़ी लोग ये सेल कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये एक्यूरेट वही रीछ की चर्बी है या आपको दो नंबर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो असल रीछ की चर्बी है उसका यह फ़ायदा है कि वो आपके नफ्स की जो शक्ति है, जो उसकी ताकत है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको हार्डनेस में इजाफा करता है, उसकी टाइम में इजाफा करता है, उसके जो साइज़ है उसमें इजाफा करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी मछलियां हैं जिनका तेल आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके नफ्स को गर्माइश देते हैं और उसकी जो रगें हैं, डेड रगें हैं, उसको खोलती है और नफ्स में जो आपको खासा जो है वो फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा जो है मैंने आपको एक छोटा सा भी तेल बताया था, रोगन माल कंगनी का, ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, कि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक नुस्खा है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ ऐसे तेल हैं। उसके बाद आप अंडे की जर्दी का तेल मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अंडे की जर्दी का जो तेल है कि आपने अंडे की जो जर्दी है उसका, देसी अंडे की जर्दी का तेल जो है वो आपने निकाल लेना है और आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। इसी तरह ही मैंने आपको बताया था सांडे की चर्बी का तेल, पूरे सांडा नहीं, खाली सांडे की चर्बी का तेल। इसी तरह ही अगर तो हमारे इस्लाम में तो मना है एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं पिग, सुअर, ठीक है, तो उसका जो तेल है उसकी चर्बी का, वो भी इस चीज़ के लिए बहुत यूज़ किया जाता है। अगर आप USA, कनाडा या इन कंट्रीज़ में जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ देखेंगे तो वहाँ इसका तेल काफ़ी जो है मिल रहा है। और इसका जो फ़ायदा है वो यही फ़ायदा है कि ये आपके सेक्स को स्ट्रॉन्ग करता है और जो आपका नफ्स है उसके साइज़ में इजाफा करता है, उसकी मोटाई में इजाफा करता है, ठीक है। ये चंद तेल ऐसे तेल हैं जो कि आपके नफ्स के साइज़ में इजाफा करते हैं, आपके नफ्स की मोटाई में इजाफा करते हैं, आपके नफ्स की जो थिकनेस है, हार्डनेस है, जब वो सेक्सली, जब आप सेक्स के लिए तैयार होते हैं, सेक्चुअली जब आपका नफ्स खड़ा होता है तो वो उसकी हार्डनेस में जो है इजाफा करता है। तो ये वीडियो जो जिन भाइयों ने मुझे कहा था मैंने उनके लिए जो है बना दिया ताकि उनको समझ आ जाए कौन से ऐसे तेल हैं जो यूज़ करने हैं। यूज़ करने के तरीक़ाकार वो सारे आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं, मेरी मुख्तलिफ वीडियोस हैं, आप उनमें जो हैं वो देखें कि नफ्स को साइज़ में बड़ा करने के लिए मैंने मालशें किस तरह बताई हैं, मैंने ठकोरें बताई हैं, ठीक है। इस तरह से जो है ये जो तेल हैं ये वो तेल हैं जो कि दो दो साल, चार चार साल से जो है लोग यूज़ कर रहे हैं,
मेरे जो मेंबर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये नुस्खा जात बहुत पुराने सदियों से चले आ रहे हैं और लोग यूज़ कर रहे हैं और उनका वाकई ही फ़ायदा है और 110% एक्यूरेट इनका फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन मेरे जो मेंबर यूज़ कर रहे हैं उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि कौन सी जो चीज़ है आपके लिए वो फ़ायदेमंद है और कौन सी जो है वो नुकसान है आपके लिए। तो ये तेल जो है, चंद तेल जो मैंने अभी आपको बताए ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मज़ीद बहुत सारे तेल हैं, तिला जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम की वीडियो में जो है बताऊँगा उनको बनाने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, ठीक है। मुझे नेक्स्ट टाइम तक की वीडियो के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।